सीतापुर हर गांव लहरपुर रोड स्थित गौरी शंकर बाबा मंदिर पर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि किस तरीके से सूर्य कुंड के आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं रोड के किनारे जो अतिक्रमण हटाया गया था वहां फिर से अतिक्रमण हो गया। वहीं नगर पंचायत इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अवैध रूप से लगे ठेले वालों से होने वाली गंदगी, कूड़ा करकट, पॉलिथीन उड़कर तीर्थ स्थल पर गिरते हैं, जिससे वहां का पानी गंदा होता है और साथ ही तीर्थ में स्नान करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर आज बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष ने मीडिया से बताया कि अगर मंदिर क्षेत्र के आसपास गंदगी और अतिक्रमण हटाया नहीं गया तो जिले के संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गंदगी और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साफ सफाई की व्यवस्था आपने देखी यहाँ पर है, कैसी है? आज हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग की मासिक बैठक थी तीर्थ के ऊपर, और तीर्थ के ऊपर आने के बाद हमने जो देखा है कि तीर्थ के अंदर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, उसके किनारे जो सीढ़ियां हैं उस पर बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, और सड़क के किनारे जो ठेले लगे हुए हैं चाट के और कई तरीके के ठेले लगे हैं, उनसे जो भी कूड़ा उड़ के आता है वो तीर्थ के अंदर आ रहा है। और इसके लिए हमने अवगत कराया है, ईओ साहब को अवगत करा चुके हैं और चेयरमैन साहब को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि ये सड़क की दाएँ बाएँ तरफ एक जाली बनवा दी जाए, जिससे जो कूड़ा सड़क से आके जो तीर्थ में गिरता है वो ना गिरे। अब एक ज्ञापन भी देना है हमें ईओ साहब को, और अगर उस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने ऊपर संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको अवगत कराएंगे, और जो भी वो कहेंगे फिर हम लोग उस पर कार्य करेंगे। आप बोलेंगे आप।